हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग जो है ये मेरे बेबी के बर्थडे का है और ये बहुत ढेर सारे केक्स दिखा रही हूँ मैं आप सब। हैप्पी बर्थडे डियर आयाज, हैप्पी बर्थडे टू यू। हेलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। ये गाड़ी कौन है? हां ये पसंद का है, जैसे बाबा भी खिलाए थोड़ा केक। बाबा और थोड़ा काट दे किराया। दादी दादी भी खिलाए भाई। अरे तब तो फिर बस उदित को भी खिला दो भाई, उदित को भी खिला दो, भैया को भी खिलाओ। बड़े भाई उनके हैं जो है, उनको खिला दो। नहीं इनको खिलाओ, अमर वाला है, अमर लगाइए आप उसमें। बीच में ज्यादा खराब मत करना। अरे वाह, उसे खा लो, तुम भी खा लो बेटा। ले लो ले लो ले लो ले लो। दादी भाई आके खिलाइए। हाँ हाँ भाई, अरे सबको खिलाए। अरे भाई तो सब खिलाओ ना भाई, गंदा मत करो एकदम। बाहर से हम लोग आए। नहीं भाई तो भी अब गंदा मत करो, बहुत हो गया, वो सब उसे दे दो। हाँ हो गया। तो मेरे बेबी को कार बहुत पसंद है और उसके लिए ये कार भी केक में बनवाई गई थी। बट इस कार का जो मटेरियल है ना, जो खाने वाला, वो कुछ अजीब सा है, बहुत हार्ड है, तो वो केक टाइप का नहीं है। फिर उसके बाद रात को हम लोग डिनर करने गए थे और डिनर करने गए थे हम लोग होटल पंचशील, जैसा कि आप देख सकते हो। हम लोग हमेशा यहीं पर डिनर करते हैं जब भी कुछ ओकेज़न होता है। और यहाँ का जो गार्डन है और बहुत सुंदर है। अगर आपने न्यू ईयर वाली वीडियो मेरी देखी होगी तो आपने देखा होगा, यही सारी चीज़ें जो हैं वो पूरी सजाई गई थी बहुत अच्छे से। और इतनी डेकोरेशन जो है ये यहाँ पे रहती है। और यहाँ पे एक बारह सिंगा भी लगाया गया है, तो वो बच्चा मेरा उसके साथ खेल रहा था। फिर गार्ड ने बोला कि उसके ऊपर बैठने मत दीजिएगा बिकॉज ये नीचे से जुड़ा नहीं है। और यहाँ पर एक आदमी ऐसे लालटेन लिए खड़ा है, मतलब ओवरऑल बहुत सुंदर है। और उतना ये लोग चार्ज भी करते हैं। और फैज़ाबाद का ना ये महंगे होटलों में से आता है। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी डिनर या बर्थडे पार्टी कर सकते हो। तो अभी तो ठंड थी इसलिए हम लोगों ने नहीं किया। और आज सोचा क्यों ना इत्मीनान से आपको दिखा दूँ मैं, इसलिए बस आप लोगों को दिखाने की कोशिश में लगी हूँ। और अब हम लोग अंदर जा रहे हैं डिनर वगैरह करने। तो मैं आप लोगों से यहाँ पे ये कह रही थी कि ये स्टैचू जो है वो, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कोई खड़ा है। और आप यहाँ की देख रहे हो ना, गार्डनिंग इतनी अच्छी है यार कि एकदम दिल खुश हो जाता है। इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। फिश फिश मम है, वो मम है। चलो तो बस ब्रदर इन लॉ दोनों लोग आए थे यहाँ पे, उन्होंने ऑर्डर वगैरह कर दिया था। और यहाँ बच्चों का खेल कूद भी चल रहा था, सब आपस में बातें कर रहे थे, क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड कर रहे थे एक दूसरे के साथ। और बेबी को तो बहुत मज़ा आई। और हम लोग जो है स्टार्टर में सूप पीते हैं, यहाँ पे सूप जो है वो बहुत ज़्यादा यमी होता है। और हाँ, मेरे बच्चे को नज़र भी लगी थी, नज़र जो है हम लोग मानते हैं, तो बहुत ज़्यादा रो रहा था, क्रैंकी हो रहा था। उसके बाद जब हम लोगों ने नज़र उतारी ना तो वो खेलना स्टार्ट कर दिया। आप लोग अच्छा बताइए, ये चीज़ आप लोग मानते हो या नहीं। हाय गाइस, तो मैं सेम डे जिस दिन मेरे बच्चे का बर्थडे था उस दिन मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाई, तो सोचा आज मैं आप लोगों से बात कर लूँ। और आज देखिए मैंने बाल जो है ना, अपने हेयर जो है वॉश किए हैं, अभी मुझे इन्हें झाड़ना भी है, कोम्ब भी करना है। तो गाइस पहले सबसे पहले आप लोग बताइए आप लोग कैसे हो। एंड गाइस थैंक यू वेरी मच कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो, और मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद है, बहुत सारे प्यार की, और मुझे पता है आप लोग वो करेंगे। और दूसरी चीज़ कि मैं आप लोगों के सुखी जीवन की ऊपर वाले से कामना करती हूँ कि सब कुछ अच्छा हो आपकी ज़िंदगी में। अब मैं आती हूँ बात पे। तो देखिए मैंने अपने बेबी के बर्थडे वाले दिन जो है पूजा कराई थी दिन में, और शाम को मैंने कराई थी जो केक कटिंग सेरेमनी होती है वो कराई थी। पूजा में कुछ और लोग आए थे, शाम को कुछ और लोग आए थे। और जो पूजा थी ना, एक्चुअली क्या होता है कि हमें थोड़ा सा स्पिरिचुअल चीज़ें भी करनी चाहिए।
तो जैसे कि हम लोग बैंगलोर में जब रहेंगे तो वहाँ पूजा कराना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ कोई इतना एक दूसरे से मतलब नहीं रखता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग यहाँ पे हैं, और अगर आपके धर्म को लेके अगर आप कोई चीज़ करते हो ना तो बहुत अच्छा होता है। और मैं गायत्री पूजा जो कराई थी ना उसके बारे में डिटेल से आपसे बात करूँगी, एक दूसरी वीडियो बनाऊँगी, इसमें अभी नहीं बताऊँगी कुछ भी। तो बस हम लोग एज़ यूज़ुअल, आपको पता ही होगा मैंने रेस्टोरेंट दिखाया आपको, हम लोग वहीं हमेशा जाते हैं। मेरे बच्चे को गाइस इतनी सारी विशेज़ मिली कि मैं आपको बता नहीं सकता, खुश हुई मैं। जब कोई अपनी फैमिली के अलावा कोई दूसरा विश करता है ना किसी को, तो बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग मुझे बताना कि ये डेकोरेशन आप लोगों को कैसी लगी जो मैंने की थी। एक्चुअली ये डेकोरेशन जो है वो क्या होता है ना, जब आप कुछ प्लान नहीं करते हो तो ऐसी ही चीज़ें हो जाती हैं, तो वो थोड़ी सी प्लान्ड नहीं थी, इस वजह से ऐसी हुई, अदरवाइज मैंने बहुत अच्छा डेकोरेशन सोचा था। तो बात ये है ना कि होता है ना, कुछ लोग जो होते हैं कॉलोनी में वो बहुत एक दूसरे से जलन वाली चीज़ें रखते हैं। तो मेरा बेबी जब हुआ था तो साथ में दो तीन लोग और, मतलब दो तीन और बच्चे हुए थे, मतलब उनकी मदर्स जो थी बेबी की प्रेग्नेंट थी। तो मेरा बच्चा हुआ था, वो बेबी बॉय था, 2 महीना पहले बगल में एक लोग और थे उनका बच्चा हुआ था, बेबी बॉय हुआ था। और एक आंटी हैं जिनके यहाँ पे बेबी गर्ल हुई थी, मेरे बच्चे से 2-4 दिन पहले वो हुई थी। तो उनके घर में एक्चुअली क्या है कि 2 बहुएं हैं और किसी को भी बेटा नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा मेरे बच्चे से जलती हैं, इतना जलती हैं कि मैं बता नहीं सकती। जब मेरे बच्चे की बरही थी, बरही में भी उनको इनविटेशन दिया गया, वो नहीं आई। फिर बर्थडे वगैरह जो था उसमें इनविटेशन दिया गया, वो नहीं आई। मतलब हमेशा जब भी हमारे यहाँ कुछ ऐसा पड़ता है ना तो वो कभी नहीं आती हैं। इवन जब से हमारा बेबी मेरा बेबी हुआ है तब से वो घर एकदम आना जाना कम कर दिया, अदरवाइज़ वो हर दूसरे दिन वो आती थी इवनिंग में चाय वगैरह पीने। तो बस यही है गाइज, यार कितनी बुरी चीज़ है ना। देखो बेटा बेटी सब एक होते हैं और बेटा बेटी में डिफरेंस नहीं करना चाहिए, गलत चीज़ होती है यार। आज के ज़माने में जो बेटी हो कर सकती है ना, वो बेटा नहीं कर सकता है, क्योंकि एक लड़की, एक औरत के अंदर जो ताकत होती है ना, वो किसी लड़के के अंदर नहीं होती है। एक लेडी जो है वो एक टाइम पे मल्टीटास्किंग यानी बहुत सारे काम कर सकती है, बट लड़कों में ये पावर नहीं होती है। हमारी शक्ति, जब हम शक्ति खुद में एक औरत है, मतलब एक फीमेल है, और जब हम शक्ति का नाम लेते हैं ना तो हमें हमेशा दुर्गा माता ही बताई जाती है शक्ति के रूप में। तो उससे ये दिखता है यार कि मतलब इतने सारे भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और बहुत सारे देवता हैं, शक्ति के लिए उनको क्यों नहीं याद किया गया? सिर्फ शक्ति के लिए दुर्गा माता क्यों याद की गई? बस इसीलिए क्योंकि दुर्गा माता जो हैं वो बहुत पावरफुल हैं, वो नारी हैं, और एक नारी को दुर्गा माता की ही तरह कंसीडर किया जाता है, एक नारी को दुर्गा माता का ही अवतार मानते हैं। तो इस चीज़ में उन्हें भेदभाव नहीं करना चाहिए, पता नहीं वो क्यों करती हैं, बट चलो जैसी जिसकी मंशा कोई बात नहीं। एक दिन जब उनके बच्चे बड़े हो जाएंगे, मतलब जब वो बेटियां बड़ी हो जाएंगी और किसी लायक हो जाएंगी, शायद वो उस दिन इस चीज़ को समझ सकेंगी। खैर वो समझे, भगवान करे बहुत जल्दी समझे। और गाइज अगर आप में से भी किसी के मन में ये चीज़ आती हो ना कि बेटी है मेरी, बहुत इन्फीरियर फील होता हो, तो मत करिए। तो गाइज ये था मेरा वीडियो, आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।